हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ केवीपीवाई 2021 एसएक्स पेपर. दिस हैपेंस टू बी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट अ कार्मन लाइन इज अ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट सेपरेट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस. इट इज डिफाइंड एज द हाइट एट विच लिफ्ट ऑन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ पोलर सेटेलाइट इज इक्वल टू इट्स वेट. टेकिंग द फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ विंग एरिया 30 मीटर स्क्वायर, मास दिस मच, हाइट ऑफ द कार्मन लाइन विल बी इन द रेंज. हमको एक रेंज एस्टिमेट करनी है. डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट हमें गिवन है, लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला भी हमें गिवन है, तो वो भी हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? और बस ठीक है, करते हैं इसको. देखो, लिफ्ट हमको दे रखी है हाफ रो वी स्क्वायर ए, तो ये लिफ्ट जो है ये एम जी के इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है? अब जी के बारे में क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज हमको दे रखी हैं, जो ऑप्शंस में नंबर्स दिख रहे हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, इसलिए हम जी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हम वही करने वाले हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू रो. रो की वैल्यू दे रखी है 1.2e^(-h/10), ठीक है? तो ये हो गया रो. अब इसके आगे फिर वी स्क्वायर, तो वी हमको दे रखा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8,000 का स्क्वायर, ठीक है? एरिया 30 गिवन है, इसको इक्वेट करेंगे एम जी से. एम हमको गिवन है 7500 और जी को 10 मान लेते हैं. तो बस इस पूरी क्वेश्चन में एक ही अननोन क्वांटिटी है, वो है एच, और इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली सॉल्व करते जाना है, ठीक है? सॉल्व करने पर एच की जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्सीमेटली 96.4 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है? एंड देयरफॉर द क्लोजेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, फॉर्मूला लिफ्ट का गिवन था, सारी वैल्यूज गिवन थी, बस सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन करनी थी. एक ही चीज़ थी जहाँ पे कन्फ्यूजन आने के चांस थे, वो थे जी की वैल्यू. तो जी को हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे बाई लुकिंग एट द ऑप्शन. So that's the only part in the solution. I hope you enjoyed the solution, students. Take care.